मुफ्ती साहब, हमने ये देखा है अक्सर कि टीवी पर जब मुख्तलिफ चैनल्स पर रमजान मुबारक में जो नशरियात आती हैं, तो हम ये देखते हैं कि सारे साल जो शख्स मतलब है कि एक डांसिंग इंडस्ट्री से वाबस्ता है, म्यूजिकल इंडस्ट्री से वाबस्ता है या ड्रामा इंडस्ट्री से वाबस्ता है, और उस ऐसे शख्स को बिठा दिया जाता है और एंकर उससे सवाल करता है। और ये भी तो जाहिर है, सवाल करना या कोई बात पूछना ये भी मशवरे में शुमार होगा। तो ऐसे शख्स से दीनी मसाइल पूछे जाते हैं, तो दीनी मसाइल जब ऐसे लोगों से पूछे जाते हैं तो ये भी तो जाहिर है कि एक मशवरा किया जा रहा है। तो आप क्या कहते हैं कि जो शख्स इस्लाम से उसकी वाकफियत नहीं है और उससे शरई मसाइल का हल पूछा जाता है, और ये भी एक मशवरा है तो मशवरा किया जाता है, इस हवाले से आप क्या फरमाते हैं? देखिए, मशवरा किससे करना है, किससे नहीं करना, दीनी मसाइल किससे पूछने हैं, किससे नहीं पूछने, ये भी हमें जरूरी है। खास तौर पर दीनी मसाइल के बारे में तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, फसअलू अहले ज़िक्री इन कुंतुम ला तअलमून, कि तुम उन लोगों से सवाल करो अगर तुम्हें तुम अहले इल्म से सवाल करो अगर तुम्हें मालूम नहीं। सही यहाँ पे सराहतन हुक्म मौजूद है। तो दीनी मसाइल के सिलसिले में तो ये जरूरी है कि हम ऐसे ही शख्स से मसाला पूछें, ऐसे ही शख्स से मशवरा करें कि जो दीन का इल्म जानता हो। अगर सही दीनी मामला के अंदर हम दुनियादारों से मशवरा करेंगे तो फिर तबाही आएगी। ऐसे बहुत सारे मामलात हैं कि जिसके अंदर दुनियादारों ने अपनी राय पेश करना शुरू कर दी तो दीन का बेड़ा गर्क होना शुरू हुआ। आप जैसे देखें, मिसाल के तौर पर ऑनलाइन जमात का तस्वुर हमारे यहाँ पर दे दिया गया कि आप जो है वो घर पर बैठे रहे, इमाम साहब दूसरी जगह पर हो और ऑनलाइन जमात हो जाए। अच्छा हालांकि सराहतन सहाबाए कराम का इसके बारे में हुक्म है कि जब तक एक जगह पर कोई मौजूद इमाम और मुक्तदी मौजूद ना जी, हो बिल्कुल वाजे तब तक बात नहीं। है। लेकिन इसके बावजूद ऑनलाइन जमात के मशवरे दिए जा रहे हैं और बाकायदा ऑनलाइन जमातें हो रही हैं। फेसबुक के ऊपर लाइव दिखाया जा रहा है कि इमाम साहब तिलावत कर रहे हैं और उसमें कहा जाता है कि आप अपने घर में बैठकर जो है वो तरावी को ज्वाइन कर लें। तो बताए ये जो सवाल आया कि हम ऑनलाइन जमात ये को लॉकडाउन के चक्कर में ये जो सारे मामलात हैं, ऑनलाइन जमात हो सकती कि नहीं हो सकती, सवाल आया ऐसे शख्स के पास कि जो अपने आप को अकले कुल समझते हैं, जो अकल से फैसला करते हैं। उन्होंने जवाब दे दिया कि ऑनलाइन जमात कर लें, हमारे पास तो ये मौका मौजूद है। तो अब आप देखें कि ये ऑनलाइन जमात का तस्वुर भी दीनी मसला दुनियादार से पूछा गया तो नतीजा निकला। इसी तरीके से फिर बहुत सारे मामला के अंदर जब दुनियादार से आप मशवरा करेंगे दीन के मामला के अंदर, तो वो फिर अपने लिए आसानियां तलाश कर करके मशवरे देंगे। और वो दुनियादार अपने आप को ये जताते हैं वाजोकात कि हमने भी कुरान पढ़ा है, हमने भी हदीसें पढ़ी हैं, जी जी हालांकि वो बिल्कुल ऐसी गहराई के बातें साथ की नहीं पढ़ा जाती हैं। होता। तो जब दीनी मामला के अंदर मशवरा करना हो तो उसके लिए लाजमी है कि वो शख्स जिससे आप मशवरा कर रहे हैं वो दीन के अहकामात को भी जानता हो, दीन के मामला को भी जानता हो, वरना आप दीन के मामला के अंदर किसी दुनियादार से मशवरा नहीं कर सकते। सही तो मुफ्ती ये साहब, आप इजाजत दें तो मैं मतलब एक इसमें बात ऐड करूं। हमारे पीर व मुर्शिद अल्लामा सैयद शाहतुर अबुल हक कादरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह अक्सर फरमाया करते थे कि जब इस तरह के मामलात होते हैं कि टीवी पर एंकर्स जो है ऐसे लोगों को मदऊ करते हैं कि जो अमूमन इंजीनियर साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं, वो मसाइल उनसे शरीयत मुतहरा के पूछे जाते हैं, तो किबला शाह साहब समझाने के लिए फरमाते थे कि जब कहीं ऑपरेशन करना होता है, कहीं सर्जरी करनी होती है, तो वहां उलमा को क्यों नहीं बुलाते? जब इमारत बनानी होती है तो उसका सरिये का तखमीना लगाने के लिए, सीमेंट का तखमीना लगाने के लिए वहां उलमा को क्यों नहीं बुलाया जाता? कि जब आप उलमा की जगह पर इंजीनियर्स और डॉक्टर साहबान को बिठा देते हैं, तो फिर ऐसे में इंजीनियर्स की जगह पर उलमा को क्यों नहीं बुला लेते?